नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक सांशो पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिषेक की पूरी टीम की तरफ से। तो हमारी चर्चा क्या थी, हम बात कर रहे थे मक्खन मलाई की, हम बात कर रहे थे भौतिकी में एग्जाम सीरीज जो चल रहा है, यहां पर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का PYQ कर रहे हैं और बात है चार अंक के प्रश्नों की। चार अंक के प्रश्नों में हम लोगों ने दो प्रश्न इस तरीके से देख लिए थे, अब तीसरा प्रश्न है। भैया बहुत ध्यान से समझिएगा और ये प्रश्न आपको पूरे में पूरा हल करना है। एक भी अच्छा मतलब एक भी ऐसा बच्चा नहीं छूटना चाहिए जिसने अभिप्सा से पढ़ाई की और इसमें चार में से उसको चार अंक नहीं मिले। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, देखिए कहानी है, कहानी पढ़ना है। प्रदीप के विद्यालय की शिक्षिका विद्यार्थी को शैक्षिक भ्रमण हेतु शक्ति संयंत्र पावर प्लांट लेके गई। चलो NTPC, अगर कोरबा वाले बच्चे हैं तो लाइक कर देना भैया, NTPC और BCCP, ठीक है, CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों जगह जो है क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, तो वहाँ लेके गई। अब शिक्षिका महोदय ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेरण लंबी दूरी तक शहरों के लिए किया जाता है। मतलब जो है हमको छत्तीसगढ़ से बाहर ऊर्जा बेचना है, मुंबई में बेचना है, महाराष्ट्र भेजना है या फिर मध्य प्रदेश में बेचना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े वो राक्षस वाले खंभे हम वो लगाते हैं और भेज देते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टा तक उठाया जाता है और दूसरे शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचारण करने के लिए वोल्टता को घटाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। प्रदीप ने शिक्षिका महोदय की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टता में करने का के विषय में प्रश्न पूछने लगा। अब हमारा प्रश्न क्या क्या है, देखिए पहला है प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च अथवा निम्न मान परिवर्तित करने की युक्ति का नाम लिखिए। हम लोगों को पता है कि इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर मतलब पिक्चर वाला नहीं भैया, ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो है हम लोग जो घर के सामने वो बड़ा सा लगा रहता है, मोहल्ले में एक या गांव में एक दो, तो वो ट्रांसफार्मर होता है और वो ट्रांसफार्मर जो है अधिक वोल्ट वाली विद्युत धारा को कम वोल्ट वाली विद्युत धारा में या फिर कम वोल्ट वाली विद्युत धारा को अधिक वोल्ट वाली विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस युक्ति का नाम है क्या भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। अब जो है अगला प्रश्न क्या है, इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। भाई जब जो है विद्युत, भाई हमको क्या पता है पावर का मतलब विद्युत शक्ति होता है VI। अब इस विषय में क्या होता है कि यदि हम वोल्टेज को कम कर दे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और यदि धारा का मान अधिक है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है ऊर्जा का व्यय अधिक होगा। जबकि अगर हमको लंबी दूरियों तक भेजना है तो हम क्या करेंगे, धारा को कम कर देंगे और विद्युत विभव के मान को बहुत बढ़ा देंगे। विद्युत का विभव बढ़ाने के कारण धारा कम होती है और इसके कारण ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में उसका क्षय नहीं होता है। आगे बढ़िए, प्रदीप और शिक्षिका महोदय जो प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। प्रदीप का जो है मूल्य क्या है, प्रदीप ने जो है जो पढ़ाई हुई चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। दूसरा उल्लेख जो उसका मतलब गुण है वो क्या है, प्रदीप ने अपने जो है सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे, मतलब उसमें उत्सुकता का गुण है। अब शिक्षिका महोदय ने क्या किया, शिक्षिका महोदय ने बच्चों को पढ़ाया पहला गुण, और शिक्षिका महोदय ने बच्चों के जितने भी जो है उत्सुकता है उसको शांत करने के लिए अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमको फिर से 2021 में पूछे गए प्रश्न के चार अंक मिल जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक अपनी भौतिकी कक्षा में लेंज के नियम पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि चुंबक फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसके विपरीत भी सदैव सत्य होगा। अब पहला प्रश्न क्या है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। उत्तर है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है क्योंकि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के लिए जो है जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, यांत्रिक बल करते हैं, वह बल मतलब कार्य करते हैं, वह कार्य ही ऊर्जा के रूप में
विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है? तो प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दाएं हाथ का नियम है, और दाएं हाथ के नियम में जो है हमको क्या पता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो और यदि चालक में जो है हम ऊपर की ओर गति कर रहे हों तो हमको जो है वो प्रवाहित धारा किस दिशा में मिलेगी, हमारे मध्यमा के दिशा में दिखाई देगी। ठीक है, दैनिक जीवन में लेंज के नियम का किस प्रकार उपयोगी है? तो दैनिक जीवन में लेंज का नियम इस प्रकार उपयोगी है कि जब भी हम जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति कर रहे होते हैं, जैसे कि ट्रक जो विस्फोटक लेकर चल रहा है, तो वहाँ उनको हमको पता चलता है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और हम विस्फोटक सामग्री को बचाने के लिए तार लटका कर या और किसी तरीके से उस विद्युत वाहक बल को अर्थिंग में जो है समाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने फिर एक प्रश्न जो 2021 में पूछा गया था वहाँ चार में चार अंक लाने का प्रयास किया। अब संजय, ये अगला प्रश्न है 2022 का है, ठीक है, और 2022 का यह प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। संजय के विद्यालय के शिक्षक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु कहाँ लेके गए थे? NTPC कोरबा, किसका गांव है भाई? अपना गांव है, लेके गए थे। वर्तमान में कोयले और गैस से NTPC लिमिटेड द्वारा 43,128 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पन्न किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। NTPC लिमिटेड देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और संजय ने उपकरण देखकर शिक्षक से उपकरण के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करके प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। संजय ने शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती जनित्र के बारे में उससे प्रश्न पूछे। अब हमारा प्रश्न है, पहला, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र के सिद्धांत का कार्य है E = -dΦ/dt, और ये कहता है कि किसी भी कुंडली में विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है वो उसमें क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो हम लोगों को पता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो है एक चुंबक होता है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, एक चुंबक होता है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, एक कुंडली होती है यहाँ पर जो है लगातार जो है घूम रही होती है और इसी कारण जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोगों को भाई यहाँ पर कपलर लगे होते हैं जो कि धारा में परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो ये कुल मिला के उसके मुख्य पार्ट हो गए। अब बताओ कि संजय और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित मूल्य, देखिए हर बार जो है हमको मूल्यों की बात कर रहा है, तो अब जो है संजय के मूल्य क्या है कि संजय ने जो है जो भी चीखा उसको ध्यानपूर्वक सुना और संजय ने जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतावश जो है अपने विद्यार्थी प्रवृत्ति की गुणों का वर्णन किया, मतलब गुणों को प्रदर्शित किया। शिक्षक महोदय के गुण क्या है? शिक्षक महोदय ने विद्यार्थियों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सबसे पहले कहाँ लेके गए? NTPC लेके गए। सबसे पहला गुण है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो उनको प्रयोगों द्वारा सिखाने से उनको अच्छे समझ में आता है, ये जो है शिक्षक का गुण था। और दूसरा, उन्होंने उसके अलावा भी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार से 2022 में यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, यहाँ पर भी आपको चार में से चार अंक मिल जाने चाहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।